दो तीन बार बार हमारी पोस्टों पे उन्होंने आक्रमण किया है, हमारे सैनिकों को निशाना बनाते हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने चौकन्ने रहकर अच्छी तरह उसका मुकाबला किया है और सुनने में आए हैं उस तरफ काफ़ी नुकसान शायद हुआ है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो सर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो सीज़ फायर एग्रीमेंट चल रहा है 2001 से, तो क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से दो हफ्तों से ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है अभी पता नहीं चला है, इसके बारे में बातचीत चल रही है, बस जैसे ही उसको पता चलेगा फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। यस्टरडे ही वॉज नॉट वेल, ही इज़ बीन हर्ट, उसके गोली लगी है, अस्पताल में ले गए हैं, तो अभी पूरी तरह कह पाना मुश्किल है कि क्या है लेटेस्ट। कोशिश होती है हर साल बर्फ़ पड़ने के पहले, रास्ते बंद होने के पहले कोशिश रहती है उनको भेजने की, इसीलिए हम लोग भी चौकन्ने हैं। मैं भी कल इसलिए LOC आपने जैसे बताया उस एरिया में गया था, अपने सैनिकों से मिला और आर्मी के अफसरों से भी मिला हूँ, तो वो सब भी चौकन्ने। हम लोग तो अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन होती है तो हम फिर उसका माकूल जवाब देते हैं, ये हमारी हाँ ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कि कुछ जगह में भी गया था, अभी सांबा में कुछ जगह फसल नहीं कटी है, कटने के प्रयास चल रहे हैं, मशीनें आई हुई हैं वो भी काट रहे हैं, कई जगह हाथों से भी काट रहे हैं बगैर मशीन के छोटे खेतों में, तो उधर भी ऐसी पूरी तरह कटी नहीं है, अभी उधर भी कट रही है। नहीं IB में जब कर रहे हैं वहाँ तो घुसपैठ का चांस कम ही होता है, वहाँ तो घुसपैठ के कोई गुंजाइश होती नहीं, बट ये IB में करना एक नई चीज़ है। वैसे अर्निया सेक्टर में पहले भी हुई हैं, हम लोग सजग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज आप देख रहे हैं, कल भी एक इनकाउंटर हुआ उसमें उधर शोपिया में मारा गया आतंकवादी, तो उनके इरादे तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे ही किसी जो निहत्ता कोई आम नागरिक को इधर उधर भागते भूगते